अच्छा मेक वन थिंग क्लियर कि एनी टाइम आई एम नॉट क्लियर जस्ट अ मैसेज इन द चैट बॉक्स, ठीक है, और अनयूजुअल मैसेजेस करना अवॉइड करिएगा चैट बॉक्स में, सही हो गया? अच्छा जैसे जैसे बच्चे आ रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, पर्सनल रिलेशंस, ओके, फ्रॉम इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद, सही हो गया? एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी? यस मैम. ओके तो अब मुझे कोई भी, यू पीपल हैव टू रेज योर हैंड्स वन बाय वन, ठीक है, वट एवर आई एम गोना आस्क यू हैव टू रिप्लाई मी आफ्टर रेजिंग हैंड, देन यू हैव टू स्पीक. मुझे बताओ, मैं पहले बता रही हूँ कि मेनी ऑफ यू आर देयर, और एक नेचुरल सी चीज है कि इज नॉट अवेयर ऑफ मच, ओके, तो हमारा पर्पस क्या है इस क्लास के, टू मेक एवरीबडी, एवरी वन ऑफ यू टू मेक यू पीपल लर्न इंग्लिश, ओके. इसके लिए जरूरी ये है कि आप लोगों को जो भी काम दिया जाता है, जो क्लास में काम करवाया जाता है, आप लोगों ने उसे सोई तैयार करना है, ठीक है, समझकर और वो सब कुछ. क्लास को बोरिंग बगैर मैं ये कहना चाहिए कम्प्लीटली आई वॉन्ट बी स्पीकिंग इंग्लिश, कर्ज के उर्दू टू इंग्लिश मेरा जिसे कहते हैं स्विचिंग कंटिन्यू रहेगी, ठीक हो गया? अब मुझे बताएं कि आप लोगों के like in your point of view how much english language is important, english kitni zaruri hai, any one of you first raise your hand, then anybody, koi bhi nahi hai jisko pata ho ki english kyun itni zaruri hai ya kitni zaruri hai ya zaruri. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Aksar ji mera name ji, mam bahut zaruri hai english hamare liye aaj ke jo matlab daur e hazir mein, क्योंकि आप कोई भी चीज इवन के इतनी डिजिटल अगर आप किसी कोई चीज करना चाह रहे हैं तो उसके भी आपको इंग्लिश जरूरी है. अगर आपने किसी के साथ कम्युनिकेशन करना है उसके लिए भी बहुत जरूरी है. एग्जैक्टली, तो पॉइंट आता है कम्युनिकेशन. तो जी अगर आप कोई काम नहीं कर, मतलब आपको कुछ जो है जॉब नहीं मिल रही, आप जो है ऑनलाइन काम करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा इंग्लिश आएगी तो आप कोई काम कर सकते हैं ऑनलाइन. जैसे कि फीवर, आजकल बहुत सारी डिजिटल जो है एप्स हैं और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं. बिल्कुल ऐसी बात है, बिल्कुल ठीक. कोई और? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ is Mohammad Awais. According to me, I want to tell you about the importance of English. English is important in every aspect of life, like our daily needs in the aap mute kar de. Koi aur? महक ने हैंड रेस किया हुआ है. अस्सलाम वालेकुम मैम. इंग्लिश नेसेस कोर्स देखिए, अगर हम इंटरव्यू लेवल पे भी जाते हैं, चाहे नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल हो, लेकिन हम लोगों को इंग्लिश मतलब हर फील्ड और हर एस्पेक्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो हमें वहाँ पे रिक्वायर होती है. अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये इंग्लिश स्पोकन का नहीं आता एस्पेक्ट, तो वो फिर मैम देखें इंटरव्यू लेवल पे भी ना, या फिर मॉक इंटरव्यू हो या कोई भी इंटरव्यू ले रहा हो, कि मतलब अगर सीएसएस की कर रहे हैं, कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी मतलब वो डिग्रेड हो जाते हैं, कंसीडर नहीं करते मैम. अगर और इसके अलावा मैम हम लर्निंग कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कोई भी हम लोगों ने स्टार्टअप लिया हुआ है अपना, तो वहाँ पे भी रिक्वायर होती है कम्युनिकेशन गैप, फिर हम लोग वो अपनी अचीवमेंट्स नहीं कर पाएंगे, एक्सेस नहीं कर पाएंगे.
ऐसी ही बात है. अच्छा अब बात ये सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग मैम, पहले भी ना किसी का माइक म्यूट सॉरी अनम्यूट हो गया था, इस वजह से मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा कि मोस्टली ये होता है कि हमें इंग्लिश आती है इतनी ज्यादा जो होता है ना उसका इशू होता है इस लेवल पर बीएस लेवल पर, फिर भी है कि झिझक होती है उसमें आवश्यक होगी और उसकी एक्सरसाइज हम डेली बेसिस पे करेंगे तो इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू मुश्किल नहीं है. Exactly. मुश्किल कुछ भी नहीं होता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल. ठीक है अब यहाँ पर अपने जिसे कहते हैं ना पल्लू से बांध लेनी है कि कीप योर एम्स हाई एंड ड्रीम्स बिग. ठीक है एम्स शुड ऑलवेज बी हाई एंड ड्रीम्स शुड ऑलवेज बी बिग बिकॉज नॉट फेलियर बट लो एम इज अ क्राइम. रही बात इंग्लिश की तो इंग्लिश कोई बड़ी साइंस नहीं इसमें, सही हो गया. अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आखिर बनता किस तरीके से और करना किस तरीके से, ठीक है तो कुछ भी मुश्किल नहीं होती है. इस कोर्स का जो आज हम मतलब क्लास ले रहे हैं उसका पर्पस ये है कि एवरी वन ऑफ यू शुड गेट दैट व्हाट आर वी गोना स्टडी, ठीक है आफ्टरवर्ड्स और वो सब कुछ, सही हो गया. अच्छा अब बात यह आ जाती है कि इंग्लिश की, उसके बाद आते हैं कम्युनिकेशन स्किल. सबसे पहले आते हैं इंग्लिश, ऑब्वियसली एक लैंग्वेज है, सही हो गया. एंड व्हाट इज अ लैंग्वेज? लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय पर्टिकुलर कल्चर और कम्युनिटी. जबकि आजकल लैंग्वेज की ये डेफिनेशन इज क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर कंट्री को डिफरेंट होती है. ठीक है तो इस आज के दौर में इन दिस एरा एवरी ऑफ यू नोज एटलीस्ट 2 to 3 लैंग्वेजेस. ठीक हो गया पहली बात. दूसरी बात आ जाती है आपके पास के लैंग्वेज कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है. ठीक है तो जस्ट बिकॉज इसका माइक ऑफ म्यूट कर लें प्लीज. अच्छा तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है सबसे पहले. अगर फॉर इंस्टेंस सबसे पहले बात यह कि किसी के सामने भी यू हैव टू फील शाय, ठीक हो गया, जिसे कहते हैं ना लड़खड़ाना नहीं है. ठीक है अगर आप किसी से बात कर रहे हो आपने लो फील नहीं करना कि इफ यू आर फॉर इंस्टेंस आपको इंग्लिश नहीं आती यार अब तो कर ही नहीं सकते हैं, आप सब कर सकते हैं, आप किसी भी एज पे करते हैं, आप चाहे पी एस लेवल पे हो या चाहे एम लेवल पे हो, यू कैन डू एवरीथिंग. ठीक हो गया. Now there comes purpose. हम English language को क्यों कर रहे हैं? What is the purpose? सबसे पहले for communication. ठीक है communication gap होगा तो you can never ever succeed in your life. ठीक है क्योंकि एक gap रहता है where every time there would be a gap between you and the other person you're talking. Secondly interviews के लिए, ठीक हो गया. Third competitive exams जो होते हैं, ठीक है exams में obviously everybody has gone through the trick level. Then there comes for career. Yeah? English is everywhere. Either you are in Pakistan or you are living in abroad. It's an essential language which you everybody of you have to know. Okay. Now there comes. Okay. Next there comes. अब मैं जो point पर आ जाती हूँ English पर, ठीक है. स्टेजेस होते हैं, ठीक है एवरीबडी ऑफ यू नोस. सबसे पहले हमारे पास आते हैं अल्फाबेट्स. जब हम यू आर इन प्राइमरी क्लास और आर इन केजी नर्सरी व्हाटएवर, ठीक है प्ले ग्रुप, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नॉट व्हिच आर कॉल्ड अल्फाबेट्स. आप थोड़े बड़े होते हो, आप 1-2 ग्रेड पे आते हो तो आप लोगों को वर्ड्स प्रॉपर वर्ड्स मीनिंग सिखाए जाते हैं विद यू कैन पार्ट्स ऑफ स्पीच. देन आप थोड़े बड़े और होते हो, आप 4, 5, 6, 7 में जाते हो तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन सिखाया जाता है. एंड आफ्टरवर्ड्स जब 9-10 में चले जाते हो तो फिर यू आर नोन विद द एसेज पैराग्राफ्स प्रेसिस समरी एंड ऑल दैट. ठीक हो गया एवरीबॉडी इज गेटिंग माय पॉइंट. अगर आपको लगे कि मैं उसे कहते हैं मेरी समझ नहीं आ रही है, मेरी आवाज में डिस्टॉर्शन है, सो डू लेट मी नो. ओके सो नाउ स्टेजेस इंग्लिश लैंग्वेज की स्टेज अगर हम देखते हैं कितने स्टेजेस हैं तो सबसे पहले देयर कम्स द अल्फाबेट्स. Then there comes the words,
then there comes the sentences, and then there comes the paragraphs and all that. ठीक हो गया? Now, coming to the sentence structure. अब मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि for in your point of view, what is necessary for in a sentence to be, or what are the main components of a sentence? Anybody of you? First, raise your hands. Then answer question that in a sentence, एक sentence में कौन से elements necessary हैं, essential हैं, vital role play करते हैं एक sentence को बनाने में. हैंड रेस करें ताकि फिर आप लोग अनम्यूट होंगे. यू हैव टू आंसर इट. शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे सब आप जैसे ही हैं. ठीक है, मैम वर्ब्स की जरूरत होती है एक सेंटेंस को बनाने के लिए. जी जी बिल्कुल, वर्ब की जरूरत होती है. वर्ब एक बहुत एसेंशियल कंपोनेंट है, अगर वो नहीं है तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है. और मैम कंप्लीट सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे वन एट अ टाइम बोले प्लीज, वन एट अ टाइम. मैम सेंटेंस को अगर डेवलप करना है तो सबसे पहले तो टेंस भी होना चाहिए उस पे, बेसिक जो होते हैं उस पे कमांड होनी चाहिए, और मेन कॉज जो होता है मतलब सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया सेंटेंस डेवलप करने के लिए. मैम अगर मैंने कोई सेंटेंस डेवलप करना है तो उसके लिए तो सबसे पहले मुझे वर्ब होता है मैम, लेकिन वो सेकेंडली आ जाता है, उससे पहले मुझे टेंस पे ग्रिप होनी चाहिए. ठीक, अगर टेंस पे ग्रिप होगी तो मुझे मालूम होगा ना कि मैं वर्ब की कौन सी मतलब यूज करूंगी फॉर्म. सही हो गया. चैट बॉक्स में भी बहुत से बच्चों ने कहा सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो अब चलें, अब सब ठीक बोल रहे हो. ठीक है, वर्ब भी नेसेसरी है, सब्जेक्ट भी नेसेसरी है, बट SVO, what is SVO? That is subject, verb and object. ठीक हो गया? कोई बोलना चाह रहा है? अच्छा जी, मेहरी ने बिल्कुल सही कहा SVO. ठीक हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. एक सिंपल सेंटेंस, ठीक है, सिर्फ सिंपल एक सेंटेंस की मैं एग्जाम्पल देती हूँ. सारा इज ईटिंग. SVO, what is the subject actually? Subject is the doer of the action. ठीक है, जो काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं कि वो सब्जेक्ट है. वर्ब क्या होता है? जो काम किया जा रहा है, मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, I am teaching you people. तो teaching क्या हो गया हमारे पास, ये यहाँ पर वर्ब हो गया है. और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जा रहा है, यू पीपल, आई एम टीचिंग यू पीपल, तुम लोगों पर काम हो रहा है, तो आप सब क्या हो गए? ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, तो ये बात होती है एक सेंटेंस की. जो नेसेसरी फैक्टर्स होते हैं वो हैं एस वी ओ. ओके, अब मुझे बताओ, यहां तक मैंने जो भी बताया है अभी तक, किसी को समझ ना आई हो सो दैट आई कुड रिपीट दैट वंस अगेन? नो मैम, क्लियर है. Everybody, सबको समझ आ चुकी है? Yes, ma'am, clear. Okay. Now there comes up. अच्छा, अब बात यह है कि क्योंकि unfortunately सुबह का जो session था वो जिन मैम ने लेना था वो नहीं ले सकी है, तो उनके behalf पे मैंने ये session करना था. ठीक है, अब उन्होंने जो चीजें करवाई थी वो यही था कि उन्होंने कहा था कि हम इंग्लिश स्पोकन में ग्रामेटिकल पोर्शन को इतना डिस्कस नहीं करेंगे. सही हो गया, प्रोनाउंसिएशन वगैरह और वो सब चीजें डिस्कस करेंगे. सही है, अब जितना स्लाइड में उन्होंने दिया था उस हद तक मैं कर चुकी हूँ. ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया है. अब मुझे आप लोग असल में अगर इंग्लिश की बात आती है तो व्हाट आर द डिफिकल्टीज जो हर स्टूडेंट फेस करता है इंग्लिश को बोलते? मैम द मेन इश्यू इज वोकैबुलरी. वोकैबुलरी हो गया. अब सब अपने अपने हैंड रेस करते जाओ और मुझे एक एक प्रॉब्लम बताते जाओ, या दो दो जो आप लोग फेस करते हो अपनी रियल लाइफ में. मैम मेन तो वोकैबुलरी है.
अच्छा, किसी ने चैट में बोला है कि लो कॉन्फिडेंस की वजह से अचानक से हमें आता भी होता है तो नहीं आता, नेचुरल है, ऐसा ही होता है. मेरे साथ भी ऐसा होता था, ऑब्वियसली स्कूल लेवल पर, कॉलेज लेवल पर या इवन यूनिवर्सिटी लेवल पर भी आपके साथ ऐसा ही होता है, बिकॉज़ आप लोग फेमिलियर नहीं होते हो, आपको कुछ भी पता नहीं होता है. ठीक है, रही मैम यही इश्यू होता है कि हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं मतलब श्योर नहीं होता कि ये ठीक है या नहीं, तो उसी में फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम इसको बोलें या नहीं बोलें. ऐसी बात है, बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात समझ गई हूँ. बट द थिंग इज कि अब देखें, फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहती हूँ कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, फॉर इंस्टेंस 100+ स्टूडेंट्स हैं, तो क्या आपको लगता है कि उन 100+ स्टूडेंट्स को सारे उन सब के सब को सब कुछ आता होगा? ऐसा नहीं होता ना. हम सब यहाँ पे आए हैं सीखने के लिए. ठीक है, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हो, चाहे आप इधर हो या चाहे आप किसी के सामने भी, आप अपने रिलेटिव से बात कर रहे होते हो, आप अपनी फैमिली में किसी से बात कर रहे होते हो, इतना याद रखो कि आपको, देखो मैं नहीं कहती कि आप किसी से बेहतर हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि मौला अली का फरमान है कि खुद को दूसरे से बेहतर कहना किसकी निशानी है? काफिर की निशानी है. ठीक है, बट खुद पे सेल्फ ट्रस्ट इज रियली इम्पोर्टेंट. ठीक है, आप जो बोल रहे हो, और फॉर इंस्टेंस किसी ने आपको करेक्ट कर दिया कि नहीं यहाँ पे आप गलत हो, तो आपने उसको सेल्फ एस्टीम का मसला नहीं बना लेना कि हमारी गलती क्यों निकाली गई. सही है, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, वी आर हियर टू मेक मिस्टेक्स. ठीक है, अगर हम गलती नहीं करेंगे तो हम सीख भी नहीं सकते हैं. ऐसी बात है, everybody agrees. अब तो बात क्या आती है कि पहली बात है आपने जो कॉन्फिडेंस का ना ये फैक्टर बहुत कॉमन है, मैंने खुद ये बहुत ज्यादा देखा भी है. जब मैं आपने सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई आपको खाएगा नहीं, ठीक है, किसी ने आपको नहीं खाना. हेजिटेशन, रिलक्टेंस एक आम बात है जो हर कोई फेस करता है, ठीक है, बट यू शुड लर्न दैट यू डोंट हैव टू फील लो एट एनी टाइम. सही हो गया. रही बात वोकैबुलरी की, तो अक्सर ये कहते हैं बुक्स रीड करें, मैं भी कहूँगी बुक्स रीड करो. बुक्स रीड करने से आपको बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज में इजाफा होता है. सेकेंडली काम बनता है कि डेली के आप 2-3 वर्ड्स जिसे कहते हैं या 5-6 वर्ड्स, दैट इज इनफ फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, हर कोई कर सकता है. आप सेलेक्ट कर लो कि हाँ यार मैंने, आप अपना एक रूटीन बना लो, सेट कर लो कि हाँ मैंने हर रोज के 5-6 वर्ड्स विद मीनिंग्स याद करने हैं, विद सेंटेंस फॉर्मेशन याद करनी है कि उनका सेंटेंस भी मुझे आना चाहिए. ठीक हो गया, समझ आ रही? यस मैम, वो शुरू करनी है उसके लिए है कि जो बेसिक प्लेटफॉर्म है ना, ये अच्छी चीज़ है. डॉन उसमें से 8-10 वर्ड ले लें, उनकी मीनिंग फिर गूगल करके, फिर ये उनको ऐसा ऐसा डेली लाइफ में. हाँ, मैं डॉन का भी बोल सकती थी, बट ऑब्वियसली हर एक के लिए डॉन न्यूज इज नॉट कन्वीनियंट. ठीक है, हाँ, उसी से अगर आपने वही गूगल पे सर्च करनी है डॉन को, तो वही आप किसी, ऑब्वियसली आप जो बुक रीड कर रहे हो, आपके घर में हजारों की तादाद में बुक्स पड़ी हुई हैं और वो रद्दी में जाती हैं, तो इट्स बेटर कि आप उन्हीं में से कुछ वर्ड्स लेकर, ठीक है, आप क्या कर लें, उसी को सर्च कर लें, रादर देन कि आप डॉन न्यूज के लिए फिर आप नॉर्मल इंग्लिश से बहुत हाई है. तो जब आप बिगिनर होते हो तो आप डायरेक्टली डॉन को अप्रोच नहीं कर सकते. ठीक है, तो आपने सिंपलेस्ट से कॉम्प्लेक्स पे जाना है ना. डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स पे जाओगे तो फिर सिंपल वाले तो समझ आए हुए नहीं होंगे. ठीक है, तो बेसिक पर्पस है टू गेन द कॉन्सेप्ट. गेटिंग जी मैम? yes, मैं कुछ कहना चाहूंगी मैम. एक्चुअली मींस के मैं अपनी बेटर वोकैबुलरी करने के लिए करती हूँ. जैसे मैम अक्सर हम मूवीज वगैरह देखते हैं, ड्रामास देखते हैं, तो हम नीचे उनकी ना अपनी वोकैबुलरी को मतलब इंप्रूव करती रहती हूँ, और इस तरह से मतलब बेहतर हो गई है पहले से बहुत ज्यादा. बिल्कुल ऐसा होता है, सब टाइटल्स के साथ आप लोग सीखें तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है. बात आती है स्ट्रगल की, आप खुद को इम्प्रूव करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं. सही हो गया जी मैम. अक्सर हम जैसे मूवीज देखते रहते हैं, हमें नहीं पता होता, बस अक्सर की तवज्जो होती है मूवीज पर, बट मेरा फोकस होता है कि भाई मैं कैसे अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करूं, कि अगर वो ऊपर से बोल रहे हैं तो मैं नीचे उनकी
पर मेरी बहुत बेहतर हो गई है पहले से. बिल्कुल, ये और ये बहुत अच्छा मतलब जैसे कहते हैं ओपिनियन भी है इन सबके लिए जो बाकी सुन भी रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे करके कर सकते हो. बट फॉर इंस्टेंस कोई इंटरेस्टेड नहीं होता है, बहुत से लोग हैं, अपना अपना टेस्ट है हर एक का, तो आप लोग उसको भी देख सकते हो, बुक्स को देख सकते हो, ठीक है, रिलेटिवली जो भी आप चीज देख रहे हो. बट द मेन थिंग इज इंटरेस्ट, यू हैव टू डेवलप इंटरेस्ट. फॉर इंस्टेंस मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं फॉर इंस्टेंस मैं आपको कहती हूँ कि मुझे खाना पकाना नहीं आता, ठीक है, मुझे क्यों नहीं आता, बात मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है एक चीज में, तो फिर मैं वो कैसे कर सकती हूँ. अगर आपको अगर इंग्लिश सीखनी है, जैसे आप सब बहुत माशाल्लाह से सीखने वाले लग भी रहे हो, ठीक है, आप लोगों में वो एक से कहते हैं कि क्यूरियोसिटी भी है सीखने की और होना चाहिए, विल पावर सबके पास है, ठीक है. एक बात जो आज के बाद क्या पता मैं आपको पढ़ाऊं ना पढ़ाऊं, जो एक चीज आप लोगों ने सीखनी है कि सबसे पहले यू पीपल नेवर हैव टू फील लो, ठीक है, जिंदगी के मामलात आते रहते हैं, यू पीपल नेवर हैव टू नो प्रॉब्लम, यू हैव टू वर्क अपॉन इट. आप लोगों को अपने फ्लॉज पे वर्कआउट करना होगा. ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ ना, इंसान है, गलती होती रहती है. कोई बोल रहा है? Yes, ma'am. Basically, English is most important for our life. क्योंकि English के अंदर ही सब कुछ जरूरी होता है. जब भी आप interviews वगैरह देने के लिए जाएं, तो जब तक आप English नहीं बोलेंगे, तो वो आपको कुछ रखते भी नहीं है. अच्छा, ये बात मैंने, अच्छा ये वाला जो पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट इसने रेस किया कि अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, आप फ्लुएंसी में इंग्लिश बोल रहे हो, यू आर बीइंग फ्लुएंट, तो क्या होता है जी कि आपको प्रेफरेंस दी जाती है उन स्टूडेंट्स के ऊपर जो माशाल्लाह से क्या पता लाइक भी होंगे, ठीक है, मगर basically I have applied from ISSB. They will, the man say to me कि आप अगर English में ज़्यादा बात करेंगे तो आपकी personality ज़्यादा इंकिसार होगी, otherwise आप उर्दू में बोलेंगे तो फिर बेकार ही होता है बंदा. यही बात है, ऐसी ही बात है, वो सब चीजें स्टैंडर्ड बेस्ड हैं, ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्योंकि सेट हो चुका है कि अगर आप फ्लुएंटली, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल फ्लुएंट हो इंग्लिश में तो आपको रखा जाएगा. आप अगर आपको कुछ नहीं भी आता, आपको सिर्फ इंग्लिश आती है तो रखेंगे, क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड सेट है. तो ऑल वी कैन डू इज स्ट्रगल फॉर द बेस्ट, ठीक है, इंग्लिश को बेहतरीन बनाएं, ठीक है, और उसे कहते हैं वो ऐसा ही है कि आप रोज के रोज, ठीक है, रोज के रोज यू पीपल हैव टू शो इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, इन दिस कोर्स. आपने इंग्लिश स्पोकन चूज किए तो ये नहीं है कि आप एक दो क्लासेस ले रहे हो, चाहे वो जो भी पढ़ा रहे नहीं कर सकते, हमारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, बस अब तो नहीं, अब हम कर ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है. अब देखो, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, सही हो गया, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा है जो फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल, ठीक है, इतने प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाने के लिए इतनी मेहनत भी कर रहे हो. ऑब्वियसली आपके सामने एक जूम क्लास है, वहां पे आके बैठ के आपको लिंक भेजा गया, बट उसके बिहाइंड द सीन कितनी स्ट्रगल है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, यू नेवर नो, सही हो गया. तो इसको प्लीज प्लीज सीरियसली लो, ठीक है, लाइफ हर बार अपॉर्चुनिटी नहीं देती है. बोल रहा है, अच्छा सब कह रहे हैं म्यूट कर दें. आप लोग काइंडली मेरे अलावा सब अपने अपने माइक्स को म्यूट कर लो. जब जिसने बोलना है डू रेज द हैंड, आप लोग बोल सकते हो, बट फिलहाल अपने माइक्स म्यूट कर दो, सब डिस्टॉर्शन होती है फिर. तनवीर करो. माइक्स म्यूट कर दो, सही हो गया. अच्छा, तो अब जैसे कहते हैं कि ये तो बात आ गई कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आती हैं, ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हो गया आपका, आप फ्लुएंट नहीं बोल सकते हो. देखो बात ये है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. कुछ बोलना चाह रहे हो अक्सा? आपने जो पिछले दिन में काम किया होगा आपने वो भी याद करना है. आप अपनी रोजमर्रा,
अब हर एक के साथ आपको दिल भी नहीं करता कभी कभार आप कहते तो यार क्या बंदा बोले अजीब लगता है, बट डू स्पीक विद योर सिबलिंग्स एज वेल, अपने बहन भाइयों के साथ बोलो, चाहे वर्ड ही एक बोल दो बट बोलो, ठीक है? आप बोलोगे, बोलने से क्या होगा कि आपकी जबान में फ्लुएंसी खुद ब खुद आएगी, ठीक है? आप बोल सकोगे, फ्लुएंसी आएगी, यू विल फील, आपको खुद अच्छा लगेगा, आपको अपनी पर्सनैलिटी में चेंज लगेगा, ठीक है? और जिसे कहते हैं कि अब आ जाती है नेक्स्ट पर, ठीक है? नेक्स्ट मसला होता है, आप मुझे बताओ कि प्रोनंसिएशन का जब प्रॉब्लम होता है तो कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं अपनी डेली लाइफ में, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रोनंसिएशन? बेसिकली ग्रामर्स की भी मिस्टेक हो जाती है और बंदा कॉन्फिडेंस भी लूज कर देता है, जिसके बिना पर फिर वो सामने वाले के साथ बैड एक्सप्रेशन पड़ता है उसको। बिल्कुल ऐसी बात है। किसी को फ्लुएंसी का मतलब आप रुके बगैर बोल रहे हो, ठीक है? ये जो भी पूछ रहा चार्ट में, आप बिगिनर हो तो कोई बात नहीं है, आप हिचकिचाओगे भी, ठीक है? बट विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कि अभी किसी ने जब बोला प्रोनंसिएशन में, तो ऑब्वियसली फिर आप मतलब थोड़ा डाउन भी फील कर रहे होते हो, ठीक है? आप जब अपने साथ अपने क्लास फेलोज या किसी भी फेलो को देखते हो, ठीक है, अपने मेट को देखते हो, तो आप देखते हो कि नहीं यार वो मुझसे ज्यादा अच्छी बोल रहा है। तो बताने का मकसद ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप यू नेवर हैव टू फील लो, कॉन्फिडेंस को गिराना नहीं है। सेकेंडली थर्ड पे आ जाते हैं आपके पास के हैव सेल्फ ट्रस्ट, ठीक है? खुद एतमादी बहुत जरूरी है, सही हो गया? मैं जहां पे भी आप लोगों को लगे मेरी बात समझ नहीं आ रही तो चैट बॉक्स में टेक्स्ट कर देना, ठीक है? और वही बात कहूंगी, अपने कोर्स से सीरियस रहना है, ठीक है? मेरे साथ आपका शायद ये आज पहला भी और आखिरी भी है, कज के इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले से मैम आ जाएंगी, ठीक है? वो जो भी ना हम पर जैसे सूट ही नहीं करती, और हम बहुत ज्यादा लो हो जाते हैं कि नहीं ऐसे लग रहा है जैसे मैं ओवर हो रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस करके बोल रही हूँ, इस तरह से फील होता है। ऐसी बात है, बिल्कुल ऐसी बात है वो, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं होती, रूटीन नहीं होता, ठीक है? जब एक काम रूटीन में आ जाता है ना, अब जैसे सोते हैं हम, सोते रहते हैं और हम 12-1 बजे उठ रहे होते हैं, आपको नहीं लगता वो इतनी बड़ी बात, बट वो लोग जो 6-7 बजे उठने के आदि होते हैं या 8-9 बजे उठते हैं, जब वो आपको देखेंगे यार कि तो 12 बजे 1 बजे बंदी उठ रही है, लोग पता नहीं इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं, तो वो वाली बात आती है, ठीक है? आप एक चीज इन रूटीन ले आओगे, इन प्रैक्टिस ले आओगे, तो दैट वॉन्ट इफेक्ट यू, ठीक है? और ना वो अजीब लगेगा। अच्छा, कोई बोल रहा है कि ग्रामर जरूरी नहीं है इंग्लिश स्पीकिंग में, तो ग्रामर गलत सोच है, जो कौन है वैसे है? अच्छा खैर, ग्रामर जो है वो इतनी जरूरी है कि मैं कहती हूँ कि ग्रामर के बगैर योर सेंटेंस इज इनकम्प्लीट। ग्रामर होता क्या है, ठीक है? ग्रामर है क्या? इट इज नॉट ओनली कि आप टेंसेज आपके ठीक होंगे तो ग्रामर, ठीक है, आपका जिसे कहते हैं कि नरेशन, सिर्फ किसका माइक कौन है कर दो, हसन कौन है ये? अच्छा, तो ग्रामर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बच्चे? बेसिकली ग्रामर ही द की ऑफ इंग्लिश है, क्योंकि अगर आपकी ग्रामर ठीक नहीं होगी तो डेफिनेटली बात है कि आप अपनी जो आपकी जो लाइंस है उसके अंदर भी आप कॉन्फिडेंस लूज कर दोगे, और अदर अगर जो बंदा सुन रहा है वो भी, सुनने वाला भी यही बोलेगा कि इसको टेंस के भी नहीं पता और कौन सा पा